अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई लोग, आप लोग टाइम देखो पहले, 8:00 जो है ना 7 मिनट हो चुका है और मैं हो गया हूँ ऑनलाइन और अभी अपनी सोसाइटी में ही हूँ। और यहाँ पे ही अभी जस्ट ऑनलाइन हुआ हूँ और बिल्डिंग के नीचे गाड़ी कर दी है मैंने स्टार्ट, और अभी जो है ना निकलने वाला हूँ काम पे। अभी यहाँ से खारघर की तरफ बढ़ूँगा धीरे धीरे और बुकिंग लेके निकल जाएंगे। कहाँ की बुकिंग मिलेगी वो आपको इसी वीडियो में पूरा मेंशन करने वाले हैं। दिन भर में कितनी अर्निंग करेंगे, कहाँ कहाँ जाएंगे, वो सब आप लोगों को बताने वाले हूँ। वैसे आज मंडे का दिन है, सुबह में बहुत ज़्यादा रश रहता है, लेकिन मैं नहीं निकला क्योंकि नींद जो है ना वो पूरी नहीं हो रही है। रात भी मैं 11:30 घर पर पहुँचा हूँ और 12:00 खा पी के 12:15 सोया हूँ, तो उसकी वजह से सुबह में शहरी में उठने में मतलब नींद पूरी नहीं हुई थी, तो मैं गाइस वापस से जो है ना सो गया था। तो अभी देखते हैं, फिर निकलता हूँ, कहाँ की बुकिंग आएगी बताऊँगा आपको इसी वीडियो में। वीडियो को पूरी देखो, स्किप मत करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ ताकि वीडियो आप लोगों को फटाफट मिले। और हाँ, कल जो है ना कल तो अपनी ज़बरदस्त अर्निंग हो गई थी, 4,800 रुपये की अर्निंग हो चुकी थी कल मेरी। कल मैं 5:00 काम करने के बाद, मतलब बहुत ज़्यादा अर्निंग नहीं हुई थी कल, दिन में परेशान हो गया मैं, बहुत काम नहीं हो रहा है, बुकिंग नहीं आ रही, 100-100 रुपये की बुकिंग आ रही, परेशान हो गया। लास्ट में 5:00 मैं सानपाड़ा में पहुँचा 5:00, तभी तक मेरा 2,000 रुपये की अर्निंग बनी थी। फिर मुझे जो है ना 5:00 एक राउंड ट्रिप आई, वाकड़ जाके आया मैं, उसमें मेरे को वहाँ से आने में 4,800 रुपया जो है ना वो टोटल बन चुका था, और 1,100 रुपये की CNG गई, 11-12 रुपये की। ठीक है, बहुत अच्छी अर्निंग कल जो है ना अपनी हो गई थी, और आज देखते हैं क्या होता है, बताते हैं आपको। तब तक अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियो आप लोगों को फटाफट मिले। ये देखो हमारी सोसाइटी। तो भाई फाइनली 2 बुकिंग हो गई है कंप्लीट। पहली बुकिंग जो है ना वर्ली ड्रॉप किया मैंने 50 किलोमीटर, 1 घंटा 6 मिनट में मैंने कस्टमर को वहाँ पे, नहीं 1 घंटा 10 मिनट में मैंने कस्टमर को फाइनली वहाँ पे ड्रॉप किया। और फिर 1 घंटे के बाद 11:00 जो है ना मुझे बुकिंग लगी है गोरेगांव, तो गोरेगांव में मैंने कस्टमर को ड्रॉप किया ओला में, उसमें मिला मेरे को 292 और 854 मिला उबर में, तो ऐसे लगभग 8 और 3 11 1150 रुपये का जो है ना अर्निंग अभी तक हुआ है। और टाइम 11:55 और ये गोरेगांव हाईवे के बाजू में ही, देखो इधर हाईवे है मानेगर में। अभी CNG रिफिल जो है ना मैंने यहाँ पे करा लिया है, CNG हो गई अपनी गाड़ी में फुल, और अभी देखता हूँ। उबर गो तो बंद किया हुआ है मैंने, प्रीमियर सिर्फ चालू है। अभी जा रहा हूँ गोरेगांव वेस्ट की तरफ, किधर मिलेगी बुकिंग पता नहीं यहाँ का ज़्यादा, जहाँ भी मिलेगी आपको बताता हूँ। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो एंड तक देखो। ये देखो गोरेगांव की लोकेशन देखो, किसी को देख रहा है तो ठीक है। चलिए फिर थोड़े टाइम के बाद बताता हूँ आपको आगे का अपडेट। तो गाइस फाइनली बुकिंग जो आ चुकी है 12:45 पे। देखो ये जो है ना पिकअप का टाइम मतलब है, देखो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये बुकिंग आ चुकी है मुझे। देखो इंटरसिटी है, ठीक है, और आया हूँ कस्टमर की पिकअप लोकेशन पे पिकअप करने के लिए। अभी कस्टमर जो है ना बाहर आएंगे तभी पता चलेगा कहाँ से जो है ना पिकअप है। एक्चुअली परफेक्ट लोकेशन नहीं मालूम पड़ रही है, तो कस्टमर ने बोला है ठीक है मैं नीचे आता हूँ। अब इसमें कितना पैसा मिलेगा वो मैं आप लोगों को पुणे पहुँचने के बाद बताऊँगा। ये बुकिंग जो है ना पुणे की है, ठीक है। मेरे मन में ऐसा हुआ था आज कि मुझे जो है ना पुणे की बुकिंग आएगी आज यहाँ से, क्योंकि काफ़ी टाइम से उबर मुझे बुकिंग कोई नहीं दे रहा था, लगभग 1 घंटे से ज़्यादा हो गया था। तो अभी मुझे ऐसा लगने लगा था कि मुझे पुणे की बुकिंग आई है, और वैसा हो गया। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि सबके साथ ऐसा होएगा, या मेरे साथ हमेशा ऐसा होएगा। ऐसा मैं बहुत बार सोचता हूँ कि मुझे पुणे की बुकिंग आएगी जब बिठा देता है, तो ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, कभी कभी हो भी जाता है, ठीक है। तो इसमें कोई कलाकारी नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए फिर मैं मिलता हूँ पुणे पहुँचने के बाद, आपको देता हूँ आगे का अपडेट, इसमें कितना पैसा अपने को मिला और अभी तक अपना कितना काम हुआ था और वहाँ पहुँच के कितना हो जाएगा। सो गाइस टाइम देखो आप लोग कितना हो गया है, 4:30 बज चुके हैं और 1 घंटा पूरा मेरे को कस्टमर को ड्रॉप करके हो गया है, बट मैं अभी भी पुणे में ही हूँ। और इस बुकिंग में जो है ना मेरे को मिला है, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, ये देखो 2058, पता नहीं दिख रहा है क्या, नहीं 2058 रुपया जो है ना इसमें मिला है। 150 किलोमीटर गाड़ी चली है और 2:50 में मैंने कस्टमर को ड्रॉप फाइनली यहाँ पे कर दिया था। अच्छा, तुरंत जैसे मैंने ड्रॉप किया था ना 5 मिनट के अंदर एक बुकिंग आई मेरे को, कांजूर मार्ग एक बुकिंग आई, बट कस्टमर ने है ना कैंसिल कर दिया। मैं पिकअप लोकेशन पे जा ही रहा था, 8 मिनट दिखा रहा था मेरे को, 7 मिनट, और
मुश्किल से 1 किलोमीटर चला और कस्टमर ने किया कैंसिल। कांजूर मार्ग 1550 रुपये दिखा रहा था और कुल 2.5 घंटा, मतलब मैं अफ्तारी के टाइम घर पहुंच जाता था, बट नसीब में नहीं, क्या नहीं पता नहीं। अभी जो है ना 4:30 बज चुके हैं, अब मुझे लग रहा है मुश्किल, शायद मैं अफ्तारी तक घर नहीं पहुँच पाऊँगा, लेकिन बुकिंग जहाँ की भी आएगी मैं लेके निकल जाऊँगा, क्योंकि बुकिंग का आज क्या एक्चुअली मंडे है, जो लोग यहाँ से जाने रहते वो जा चुके हैं सब लोग, तो इसके लिए बुकिंग जो है ना यहाँ आज बहुत कम रहेगी। इसके लिए जो भी बुकिंग आएगी मैं लेने वाला हूँ, मतलब बोरीवली नहीं आनी चाहिए, बस इतना ही है, ठीक है। अभी अर्निंग तो अच्छी हो गई है, अभी क्या बताऊँ मैं आप लोगों को, थोड़े टाइम के बाद ही बताऊँगा, मतलब बॉम्बे पहुँचने के बाद ही बताता हूँ आपको फाइनल कितना होता है कितना नहीं हुआ, ठीक है। चलिए फिर, ये देखिए यहाँ पे ना पुणे में भी मेट्रो का काम धड़ाधड़ स्पीड में चालू है भाई, फाइनली ये भी हो जाएगा तो पुणे का थोड़ा सा जो है ना लोगों का अच्छा हो जाएगा आने जाने के लिए, नहीं तो कभी कभी क्या होता है कुछ लोगों को तकलीफ होती है बेचारों। ये देखो भाई अभी आई है मेरे को बुकिंग, टाइम देखो पहले आप लोग, 8:30 जो है ना बज चुका है और मैं बैठे बैठे पुणे में हो गया परेशान, पिपरी चिंचोड़ की तरह पूरी सब जगह पे घूम डाला मैं, बुकिंग नहीं आ रही थी, फाइनली अभी आई है 8:30 बजे, ठीक है। और 8:42 का पिकअप दिखा रहा है कल्याण डोंबिवली की, शायद से कल्याण डोंबिवली वेस्ट की बुकिंग है, ये कल्याण के आसपास की कहीं की बुकिंग है। और अभी जो है ना आज तो वाट लगने वाली है, 12:30-1 बज जाएंगे मेरे को घर पे जाते जाते, बट क्या करूँ यहाँ पे रुकने से तो अच्छा है ना, घर पे चले जाऊँगा तो कल से नया दिन स्टार्ट हो जाएगा मैं। सो गाइस फाइनली पहुँच गया हूँ घर पे, और टाइम देखो आप लोग 12:46, मतलब 1 जो है ना वो बज चुका है लगभग, और अर्निंग इतनी हुई है 4400 रुपये, मतलब 4381 और 300 रुपये ओला में, मतलब 4700 आज की अर्निंग अपनी हुई है। और टाइम ड्यूटी का टाइम जो है ना, मैं 8 बजे निकला था और रात में बज गया 1, कितना टाइम 17 घंटे हो गया गाइस, 17 घंटे, और 17 घंटे में कम से कम 8 से 9 घंटा गाड़ी में आराम ही किया है, क्योंकि कोई बुकिंग नहीं मिली थी, मतलब 5 घंटे पुणे में, 1 घंटा गोरेगांव में और 2 घंटा परेल की तरफ, ऐसे करके 8 से 9 घंटा काम नहीं किया, आराम किया है बीच में, और बुकिंग की वजह से। और अर्निंग ये आप लोगों को मैंने दिखाई दिया और मैं पहुँच चुका हूँ अपनी सोसाइटी में, ठीक है। चलिए फिर, और CNG इसमें लगभग गई है मेरी 1200 रुपये से, 1200 की CNG लगी है इसमें मेरी। और वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताना, अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो दोस्तों के साथ में, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियो आप लोगों को फटाफट मिल जाए।